चलो 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 चलो, टाइम हो गया 8:15। तो भाई वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनीत सिन्हा ब्लॉग्स। तो भाई आज ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद ये कैमरा उठा है और ब्लॉगिंग के लिए शुरू किया गया है। तो आज कुछ खास दिन है इसके लिए ये कैमरा उठाया गया है। तो आज मुंडन, आदिश कुमार का, मेरी बहन का जो बेटा है उसका मुंडन है आज। तो हम लोग बालाजी मंदिर जा रहे हैं। पहले तो हम लोग दूर वाला बालाजी मंदिर जाने वाले थे, बट एक पुणे में ही पता लगा है, पाषाण एरिया में। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जो कि हमारे घर से भी ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट है और मेरी बहन के घर से भी आधा घंटा 40 मिनट है, मतलब मिड वे है। तो अभी काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, 8:15 हो गया है। तो जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सबसे पहले वहाँ बस स्टॉप सबसे मिलवाते हैं, आपको आदि से मिलवाते हैं। भाई आधा से ज़्यादा मानसून खत्म हो गया, लेकिन एक भी ब्लॉग नहीं आया होगा इस चैनल पर, क्योंकि हम लोग घूमने ही नहीं निकले इस मानसून में कहीं पर भी। लिटरली हम लोग कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो होपफुली कि अभी आने वाले 1-2-3 हफ्ते में हम लोग कहीं कहीं का प्लान बना रहे हैं, एंड वी हैव अ वेरी बिग प्लान कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर में। तो होपफुली स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब 2-2.5 महीने बहुत लंबा टाइम होता है इररेगुलर होने के लिए, बट देन थोड़ा रिलैक्स था। तो भाई मानसून ऐसा टाइम है जिसमें गाड़ी में बहुत गंदी होती है। तो गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो चुकी है अंदर से और बाहर से भी। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि ये मानसून थोड़ा सा धीरे हो जाए, धीरे एज इन लाइक थोड़ा होल्ड पे चला जाए, तो हम एक बार गाड़ी का बढ़िया से डीप क्लीन करा लेंगे, क्योंकि ऐसे बाहर से और नॉर्मल धुलवा के ना कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम इसको डीप क्लीन कराने वाले हैं। बाकी लोग भी आ गए। हम चले हमारी भी एडजस्ट नहीं हुई है। चलो बिन्नी लोगों को तो पहुंचने वाली होगी अब। हाँ वो लोग निकले, आधा घंटा हो गया। एकदम कड़ा धूप निकला है बहुत टाइम बाद, मतलब अभी 2 दिन से धूप निकल ही रहा है। हाँ थोड़ी देर के लिए निकलता है। बहुत दिन बाद ऐसा धूप निकला है, कड़ा धूप एकदम, क्योंकि बहुत दिन से लगातार ऑलमोस्ट 1 महीने से बारिश लगातार हो रहा था, मतलब रुका ही नहीं था। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा रुका हुआ है और आज एकदम कड़क धूप निकला है। लेकिन आज कपड़े धो, आज मम्मी क्या कपड़ा सुखाने के लिए आज कपड़ा नहीं है क्या आपके पास? आज हम लोग निकल गए। हाँ क्योंकि हर बार ऐसे कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग को पंखा वंखा चला के चलना पड़ रहा था रात भर, और आज धूप निकला तो आज हमारे पास कपड़ा नहीं है सुखाने के लिए। वैसे भी हम लोग बाहर है, तो मेरी बहन लोग तो पहुँच गई है, हम लोग भी बस 4 मिनट में पहुँचेंगे, और बीबू लोग भी हमको लगता है कि निकल गया होगा ऑलमोस्ट। तो वही लोग भी, उन लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है मे बी। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, और एक चीज़ तो नोटिस रियलाइज नहीं किया एक्चुअली कि ये मंदिर है, और मंदिर में पता नहीं फोटोग्राफी कितना अलाउड होगा नहीं होगा। देखते हैं, जितना अलाउड होगा उतना तो खींचेंगे, बाकी लोगों से आपको मिलाते हैं। हम लोग पहुँच गए, मम्मी लोग गई अंदर, हम गाड़ी पार्क कर रहे थे। तो धूप बड़ा मस्त उग गया भाई, बहुत दिन बाद धूप देख के अच्छा लग रहा है। ऑल सेट फॉर मुंडन। पता है ना मुंडन में क्या होता है? क्या होता है? चकलू। वेरी गुड भाई। यही है वो मंदिर जहाँ से सब कुछ होने वाला है। इसके अंदर में तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। और अच्छा मंदिर है, सुंदर है अंदर से। निकाल दो। तुमको स्पेशल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाला वाला पहन के बड़े पापा प्लीज, बड़े पापा जी ब्लॉग में बोले थे मामा आप सबसे लेट आए हैं। जनता जवाब चाहती है आपसे, ब्लॉग में से मत बोलो। कैसा लगा तुम लोगों को डोसा यहाँ का? डोसा कैसा लगा? डोसा अच्छा था? डोसा डोसा वहाँ से खाना पीना खाने के बाद आ गए हम लोग चार भुजा यहाँ पे विष्णु मंदिर मामा को दिखाने के लिए। और अभी मामा लोग को लेके घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर लोग अपने वाकोली निकल जाएंगे। आज बहुत दिन बाद व्लॉग कर रहे हैं, तो पता नहीं वो थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा फोटो वोटो खिंचाते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यो कुछ पसंद आ रहा तुमको? कुछ भी नहीं, पहली बार ऐसा हो गया है जहाँ कोई हमको पसंद आ गया और ले भी लिए हैं, लेकिन श्वेता को पसंद नहीं आया।
भाई इतने दिन से बारिश पड़ रहा था तो मौसम इतना ठंडा ठंडा था, बढ़िया एकदम, और आज दिन भर धूप किया है और पूरा गर्मी हो गया, एक दिन में गर्मी हो गया। हालांकि हम लोग को उम्मीद था कि आज बारिश पड़ जाएगा, लेकिन नहीं पड़ा है शाम में भाई। पता नहीं हम लोग के एरिया में नहीं पड़ा, किसी और एरिया में पड़ चुका होगा, क्या पता, इसकी वजह से हम लोग के एरिया में ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए फॉर आर अपकमिंग ट्रिप, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि आई थिंक हम लोग बहुत लेट है जाने के लिए, तो जितना भी स्टॉक था हमारा था सब निकल चुका है ऑलरेडी। तो विल वेट आफ्टर द सेल इज डन, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते। बाकी दिन अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। ये एक शॉर्ट एंड वेरी सिंपल व्लॉग बना होगा, जस्ट गेटिंग द हैंग ऑफ वीडियो मेकिंग वंस अगेन, क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेक ले लिए हैं तो शायद भूल भी गए होंगे, क्या पता भाई, भूल ज़रूर गए होंगे वीडियो बनाना, लेकिन वीडियो बनाने का जो मज़ा है मेरा वो अभी भी बरकरार है। तो मज़ा आया आज मेरे को दिन भर शूट करके, और ये देखो हम तुमको दिखाते हैं अपने लैपटॉप में कैसे हम बहुत सारा स्टिकर्स लगाए। ये देखो मस्त मस्त स्टिकर्स मैंने लगा दिए, स्पेशली स्टिकर्स मैंने ऑर्डर किया है और एकदम साफ चारों बगल चिपका दिए, यहाँ यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ यहाँ पे चिपका दूंगा मैं, उसके बाद और मज़ा आ जाएगा। अभी अंदर नहीं चिपकाया, अंदर बहुत गंदा हो जाएगा ना, नहीं तो इसलिए अभी अंदर नहीं चिपकाए हैं। तो भाई इसी नोट पे इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। आई डोंट थिंक ये 6-7 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग बना होगा, बट जितना ही बना होगा आप लोग इन्जॉय करिएगा इसको। आई एम बैक ऑन ट्रैक, सो मोस्ट प्रोबेबली अब हर वीकेंड एटलीस्ट 2 व्लॉग्स तो मैं डालने की कोशिश करूँगा 100%, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं हमारे घर पे, एंड काफ़ी कुछ है, राखी है, फिर देन श्वेता की मम्मी आ रही है, और उसके बाद फिर हम लोग एक छोटे ट्रिप पे जा रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोज अगेन नाउ एवरी वीकेंड, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल द एंड। के आप लोग ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो जाकर चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। वैसे आई नीड अ सजेशन इन केस कोई रैंडम लोग जो देख रहे होंगे एंड आप लोग भी यूट्यूब वीडियोज या फिर रील्स बनाते होंगे, तो प्लीज़ सजेस्ट मी अ गुड माइक, ब्लूटूथ वाला, मतलब जो दो लोग अलग अलग यूज़ कर सके, मैग्नेटिक वाला जो आजकल आता है, कौन सा ब्रांड का अच्छा होता है। आई हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मेरे को ये खरीदना है अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। सो प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।